हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैत्री पाठशाला। होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की एक डेली प्रैक्टिस वर्कशीट, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी ग्रामर को समझने में और आपके टॉपिक्स को रिवाइज करने में। सो आज की इस वर्कशीट में मैंने 4 टॉपिक ऐड किए हैं। फर्स्ट आपका है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द और लास्ट है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इन 4 टॉपिक्स में से लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टॉपिक आपका 4th और 5th क्लास में भी होगा, इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि आगे, आगे का उल्टा क्या होगा? पीछे। दूर, पास। लाभ, हानि। सच, झूठ। सुख, दुख। अंदर, बाहर। सो ये हमारे क्या होते हैं? विलोम शब्द, यानी कि अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट हमारा है पर्यायवाची शब्द। सो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक दूसरे के समान या एक जैसा अर्थ बताते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं और हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। एग्जाम में यदि आपसे समानार्थी शब्द पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द का मतलब एक ही होता है कि जो शब्द एक दूसरे के एक जैसा अर्थ बताते हैं, एक दूसरे के समान अर्थ बताते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि आग, आग के दूसरे नाम क्या है? जैसे कि अग्नि, पावक, अनल। नेक्स्ट है बादल। बादल को हम और क्या कह सकते हैं? बादल को मेघ भी कह सकते हैं, जलधर भी कह सकते हैं और जलद भी कह सकते हैं। राजा, नरेश, भूपति, सम्राट। आदमी, नर, मनुष्य, पुरुष। सो ये हमारे क्या होंगे? पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाया जाए, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम किसी बात को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, हम उसको एक वर्ड में कहना चाहते हैं, सो वो हमारा क्या होगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि यदि कोई इंसान हमेशा सच बोलता है तो आप उसको क्या कह सकते हैं? आप उसको सत्यवादी कह सकते हैं। मीन्स आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिल गया है। अनेक शब्द हमारे क्या है? जो सदा सत्य बोलता हो, ये अनेक शब्द है। इसकी ये कहने की बजाय हम क्या कह सकते हैं? वो सत्यवादी है। जिसके मन में दया हो, वो क्या होगा? दयालु। जैसे कि मैं ये बोलूँ राम के मन में बहुत दया है, तो ये देखो कितना बड़ा सेंटेंस हो गया ना हमारा। हम इसको छोटा कैसे कर सकते हैं? जो हमने इतने सारे वर्ड बोले हैं इसमें, उसके लिए हम एक शब्द यूज़ करेंगे कि राम दयालु है, जो कभी न मरे अमर, गांव में रहने वाला ग्रामीण, जो दिखाई ना दे अगोचर। लास्ट हमारा है अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि हार, एक होता है जो आप गले में हार पहनते हैं, एक होता है हार जाना, जैसे कि मैच हार जाना, पराजय। तो हार के बहुत सारे मतलब होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। लाल, लाल एक रंग भी होता है और माँ अपने बेटे को भी क्या कहती है? लाल। पर जो पक्षियों के पंख होते हैं उनको हम पर बोलते हैं, और पर का मतलब होता है ऊपर, कि मेज पर रखी है तो हम क्या बोलेंगे उसको? ऊपर। तो पर के भी 2 अर्थ हो गए। नेक्स्ट हमारा है बस। बस यानी कि एक गाड़ी होती है, आप स्कूल वगैरह जाते हैं अपनी बस से। और एक होता है बस समाप्त, यानी कि चुप हो जाओ, बस करो, मीन्स चुप हो जाओ, आराम से बैठो, अपनी बातें समाप्त करो। तो बस का मतलब गाड़ी और समाप्त। अब चलिए, आपने टॉपिक के मतलब को समझ लिया है, अब हम इसकी वर्कशीट करते हैं, जिससे कि टॉपिक आपको अच्छे से और समझ में आएगा और आपका रिविज़न हो जाएगा, प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो ना, सबसे पहले हमारी वर्कशीट है विलोम शब्द से रिलेटेड। दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द पर गोला लगाए। सत्य, असत्य, नया, पुराना, मोटा, पतला, वीर, डरपोक, जीवन, मरण, अपना,
पराया, सरल, कठिन। रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। सीमा मीठा बोलती है, रीता कड़वा बोलती है। मीठे का अपोजिट क्या होगा? कड़वा। हमेशा बड़ों का सम्मान करो, अपमान नहीं। कोआ काला होता है, हंस सफेद होता है। हमें उचित कार्य करने चाहिए, अनुचित नहीं। उचित का अपोजिट हो गया ना हमारा अनुचित। कक्षा में विद्यार्थियों ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों को ढूंढकर लिखिए। जैसे कि पहला हमारा क्या लिखा है? अंदर। सो अंदर का क्या होगा? बाहर। यहाँ पे दोनों शब्द ही यहाँ पे लिखे हुए, आपको सिर्फ उन्हें छाट के अलग अलग लिखना है, ठीक है? रंक, रंक का अपोजिट क्या होगा? राजा। जीवन, जीवन का अपोजिट होगा मरण। सच, सच का क्या होगा? झूठ। लाभ, हानि। रात, दिन। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड। सो पर्यायवाची शब्दों का मिलान करना है। बादल, बादल को बोलते हैं मेघ। राजा, नरेश। प्रभु, परमात्मा। जगत, संसार। चंद्रमा, शशि। कमल, नीरज। आग, पावक। नीचे दिए गए चित्रों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सो चित्र में आपको दिख रहा होगा आँख। आँख को हम क्या बोलते हैं? नयन, नेत्र, लोचन। यह है आपका बाग, बगीचा, वाटिका, उपवन। चांद को हम क्या बोलेंगे? शशि, इंदु, राकेश। तालाब को क्या बोलते हैं हम? सर, सरोवर, तालाब। कमल, कमल को क्या बोलेंगे? राजीव, जलज, पंकज। सूरज, प्रभाकर, दिनकर, दिनेश। पेड़ को क्या बोलेंगे? वृक्ष, पेड़, तरु, पादप। बारिश को क्या बोलते हैं? वर्षा, बरसात, पावस, बारिश। पुष्प, सुमन, कुसुम, फूल। दिए गए शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्द पर टिक का निशान लगाना है। सो सागर, सागर का क्या होगा? सिंधु। हाथ, कर। वस्त्र, वसन। रात, निशा। आदमी, नर। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द पर टिक का निशान लगाना है। महीने में एक बार होने वाला मासिक। जो पढ़ना लिखना जानता हो वो क्या होगा? साक्षर। जिसके मन में दया हो, दयालु। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। जो दूसरे देश का हो, विदेशी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। जो कभी न मरे हमारा क्या होगा? अमर। कविता लिखने वाला, कविता लिखने वाला कवि। अगर होता कविता लिखने वाली तो हम क्या बोलते? कवित्री। गांव में रहने वाला ग्रामीण। जो सदा सत्य बोले, सत्यवादी। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार और चित्र बनाने वाला चित्रकार। नीचे दिए गए चित्रों के लिए एक शब्द लिखे। जो आपका इलाज करे उसे हम क्या बोलेंगे? डॉक्टर। जो कपड़े सिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? दर्जी। अनाज उगाने वाला किसान। चित्र बनाने वाला चित्रकार। कपड़े धोने वाला धोबी। पूजा करने वाला पुजारी। और मिठाई बनाने वाला हलवाई। आगे है जोड़े मिलाइए, आपको मिलान करना है। कविता लिखने वाली, कविता लिखने वाली कवित्री। जो दिखाई ना दे अगोचर। पुराने जमाने का प्राचीन। जो श्रम करता है श्रमिक। रोज होने वाला जो काम रोज, उसे हम क्या बोलेंगे? दैनिक। जो पढ़ना लिखना जानता हो वो हमारा क्या होगा? साक्षर। नेक्स्ट हमारा है वर्ग पहेली से वाक्यांश के लिए एक शब्द ढूंढकर लिखिए। सो यहाँ पर हमें एक पहेली बनाकर दी गई है। इसमें से हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढकर लिखना है। जैसे कि जो पढ़ाता हो, जो पढ़ाता हो वो हमारा क्या होगा? शिक्षक। सो हम यहाँ पर लिख देंगे शिक्षक। जिसे किसी का डर ना हो वो हमारा क्या होगा? निडर। सो हम लिख देंगे निडर।
जिसके मन में दया हो वो क्या होगा? दयालु। यहाँ पे लिखेंगे हम दयालु। जो दूसरे देश का हो विदेशी, और जो कभी ना मरे अमर। अमर देखो ये लिखा हुआ है और विदेशी हमारा ये रहा। नेक्स्ट हमारा है अनेकार्थक शब्द से रिलेटेड वर्कशीट। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। चोटी, चोटी होता है एक तो आपके गुथे हुए बाल, एक होता है जो पहाड़ पर्वत की जो चोटी होती है, जो उसका सबसे पीक पॉइंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्वत का शिखर, उसे भी हम चोटी बोलते हैं। वर्ण, वर्ण होता है अक्षर, जैसे कि आप पढ़ते हैं ना क ख ग, वो होता है आपका वर्ण। और एक होता है जाति, ये शूद्र जाति का है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, ये होती है आपकी जाति। एक होता है उत्तर, उत्तर एक आपकी दिशा है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और एक होता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना, किसी प्रश्न का उत्तर देना भी उत्तर कहलाता है। भाग, भाग होता है हिस्सा, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी कंपटीशन में जब पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हिस्सा लेना, भाग लेना। एक होता है दौड़ना, रनिंग करना। तीर, तीर होता है किनारा एक तो, और एक होता है जो आप बाण में लगाते हैं तीर, उसे भी हम तीर बोलते हैं, बाण बोलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द का सही अर्थ ढूंढकर उस पर टिक का निशान लगाना है। जग में अनेक तरह के लोग रहते हैं। सो यहाँ पर जो ये जग शब्द यूज हुआ है, ये संसार के लिए यूज हुआ है। जग एक बर्तन भी होता है, एक बर्तन के लिए यूज हुआ है या दोनों के लिए यूज हुआ है। सो यहाँ पर जो जग है वो संसार के लिए यूज हुआ है कि संसार में अनेक तरह के लोग रहते हैं। माँ ने मेरे लिए फल काटे, तो फल यहाँ पर आम, सेब, केला के लिए यूज हुआ है, या एक फल होता है रिजल्ट, किसी रिजल्ट के लिए यूज हुआ है, या दोनों के लिए यूज हुआ है। सो यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? ये सेब, आम आदि फलों के लिए यूज हुआ है फल, कि माँ ने मेरे लिए फल काटे। मेरे नाना ने मुझे उपहार दिया। सो जो यहाँ पे नाना शब्द है, ये माँ के पिता के लिए यूज हुआ है, या अनेक, अनेक का भी अर्थ होता है ना, जिसे हम बोलते हैं कि अनेक तरह के पेड़ थे, नाना प्रकार के पेड़ थे, या दोनों के लिए यूज हुआ है। सो यहाँ पे जो नाना शब्द है वो माँ के पिता के लिए यूज हुआ है। सो यहाँ पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।